हेलो दोस्तों, आज फिर एक और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर आया हूँ ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम के ऊपर, जो कि आपका पड़ता है पुणे सिटी के अंदर ओंद बानेर लिंक रोड के ऊपर आपका शोरूम होने वाला है ओकिनावा स्कूटर। इनके पास आज की डेट में 2 मॉडल्स आते हैं। मॉडल आता है आपका हाई प्राइस प्लस, एक आता है प्राइस प्रो। आज हम प्राइस प्रो का पूरा रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। एक बार आप स्कूटर का और शोरूम का व्यू देख लीजिए, उसके बाद एक एक फीचर के बारे में हम सभी की सभी बातें करने हैं। और हाँ तो दोस्तों, आपने शोरूम का और स्कूटर का पूरा ओवरऑल व्यू देख लिया होगा। अब हम एक एक करके सभी फीचर के बारे में बात करेंगे। ओकिनावा प्राइस प्रो मॉडल ये आपका होने वाला है, जो कि आपके मेन मॉडल से काफी प्राइस में भी कम होने वाला है। हम डिटेल में सभी फीचर्स के बारे में एक एक करके सभी बातें करने वाले हैं। हेलोजन बल्ब वाले आपको इंडिकेटर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आप जैसे ही नीचे आएंगे, आपको DRLs हेडलाइट पूरी व्हाइट LED के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे भी एक छोटी छोटी इसमें टाइप ये लाइट देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। कुछ इस तरह से आपका स्पोर्टी लुक है स्कूटर देखने को मिलने वाला है। ओकिनावा की तरफ से आने वाला आई प्राइस प्लस और प्रो दोनों देखने में सिमिलर हैं, लेकिन इनके प्राइस में और इनके रेंज में डिफरेंस है, वो मैं आगे जाके अभी सभी आपको बताने वाला हूँ क्या क्या इसमें डिफरेंस होने वाला है। हम दोस्तों स्कूटर में नीचे जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने लाइट के बारे में बता दिया। आईज वाली लाइट इसमें व्हाइट LED दी गई है। साथ में इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक हैवी सस्पेंशन देखने को मिलेगा, 12 इंच का ट्यूबलेस टायर। साथ में डिस्क ब्रेक, आगे भी डिस्क ब्रेक, पीछे रियर टायर में भी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। ओकिनावा की तरफ से ही आने वाले आपको डिस्क इसमें देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप दोस्तों इसमें देख पा रहे हो, काफी अच्छे मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ में आगे आपको टायर में अलॉय व्हील डायमंड कट वाले देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फिर हम स्कूटर के लेफ्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑरेंज रिफ्लेक्टर, कुछ इस तरह का लेग स्पेस। नीचे से आप दोस्तों देख पा रहे हो, काफी अच्छा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। LIION यानी लिथियम आयन की इसमें रिमूवल बैटरी दी गई है। साइड स्टैंड की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको साइड स्टैंड एंड बिग स्टैंड इसमें लगा हुआ कंपनी से ही देखने को मिलेगा। साथ में आप दोस्तों देख पा रहे हो, इसमें इस तरह का सिल्वर फुट रेस्ट देखने को मिलेगा। प्राइज प्रो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी ओकिनावा इसमें सीट के ऊपर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों हम लेग स्पेस की बात करें तो ये इतना अच्छा खासा इसमें लेग स्पेस, ये आपका यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दे दिया गया है, जिसमें आप डायरेक्ट स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका इसके अंदर चेसिस नंबर होता है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना पानी की बोतल, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बैग हुक दिया गया है, जहाँ पे आप आसानी से अपना बैग लगा सकते हैं। इग्निशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड आपकी सीट ओपनिंग के लिए यहीं पे दिया गया है। साथ में हम आगे की के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह की आपको इसमें 2 की ओकिनावा की तरफ से देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह का आपको रिमोट इसके अंदर देखने को मिलेगा। लॉक अनलॉक एंड कीलेस स्टार्ट, प्लस आपको इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपकी स्कूटर के साथ कोई छेड़ाखानी करता है तो आपके पीछे का जो मोटर है वो टायर लॉक हो जाता है, जिसमें आपका सिक्योरिटी इसमें बनी रहती है। साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको मैं बता दूं, ओकिनावा की तरफ से ओकिनावा इको ऐप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपने को लाइव ट्रैकिंग, अपने स्कूटर की बैटरी परसेंटेज, बाकी सारी डिटेल आप अपने ऐप में देख सकते हैं। ये तो दोस्तों की वगैरह की बात होगी, बाकी हम आगे की बात करेंगे हैंडल की। तो आपको यहाँ पे आपको 2 साइड मिरर लग के शोरूम से ही मिलने वाले हैं, जैसा आप देख पा रहे हो इधर एक इधर। साथ में मैंने दोस्तों आप दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छे मटेरियल का इसमें यूज किया गया है, जैसा आप देख पा रहे हो दोस्तों स्टील का ये आपका लीवर होने वाला है। साथ में यहाँ पे आपको हेडलाइट हाई लो बीम के लिए, साथ में हॉर्न के लिए, यहाँ पे टर्बो इको और स्पोर्ट 3 मोड इसके अंदर दिए गए हैं। अलग अलग 3 मोड पर स्कूटर काम करता है, जिसमें आपको अलग अलग स्पीड एंड पावर का एहसास ये स्कूटर कराएगा। साथ में इंडिकेटर के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, हॉर्न के लिए आपको ने ये देख लिया, बीच में से कुछ आपकी डिजिटल MID कुछ इस तरह की होने वाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। राइट एंड पे जाएंगे तो आपको हेडलाइट ऑन ऑफ के लिए, नीचे आप जाओगे तो फिर से एक हॉर्न के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो ENS इको एंड स्पोर्ट मोड के लिए ग्रीन बटन ये राइट एंड पे दिया गया है, और आपका टर्बो जो मेन हाई पावर है वो इधर दिया गया लेफ्ट एंड पे। अब हम दोस्तों इसकी MID की बात करें तो आपको डिजिटल MID देखने को मिल जाएगी। MID के अंदर आपको यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, इंडिकेटर के लिए इंडिकेशन, हेडलाइट के इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ में आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो टोटल किलोमीटर, स्पीड आपकी ट्रिप 1 और 2 दोनों। यहाँ पे बैटरी के लिए आपको यहाँ पे
सभी बार देखने को मिल जाएंगे। आपका बैटरी परसेंटेज कितना है, आपका कौन सा मोड में स्कूटर चल रहा है, सभी प्रकार के इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ में आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे ओकिनावा की बैजिंग भी यहाँ पे दी गई है। ये तो दोस्तों सभी अपने मीटर वगैरह की बात होगी, एप्लीकेशन के बारे में मैंने बता दिया। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो सीट के बारे में बात करेंगे। इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी दो लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाएगी। साथ में ब्लैक कलर की ग्रिल आप देख पा रहे हो, ये वी मॉडल डब्लू मॉडल में आपको काफ़ी हैवी ग्रिल इसमें पीछे देखने को मिलेगी। आई प्राइज प्रो की बैजिंग आप देख पा रहे होगे, नीचे आप इसमें देख पा रहे हो कुछ नीचे से आपका स्कूटर ऐसा होने वाला है। पीछे का जो टायर दिया गया वो भी 12 इंच ट्यूबलेस टायर दिया गया। साथ में आपको जो स्प्रिंग वाले एडजस्टेबल इसमें सोकर देखने को मिल जाएंगे। इस स्कूटर के अंदर आपको इसमें हब मोटर देखने को मिलेगी जो कि आपको इंस्टेंट पिकअप देती है, जो कि आपको बेल्ट वाले किसी भी स्कूटर से ज़्यादा पिकअप इसके अंदर देखने को मिलेगा। पीछे हम जाएंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह के आपको इसमें एलईडी इंडिकेटर, साथ में एलईडी ही टेल लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे जाएंगे तो मैंने जैसा आपको बताया ड्यूल डिस्क के साथ आपका स्कूटर आता है, पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। राइट हैंड से देखने में आपका स्कूटर कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। प्राइज प्रो की लंबी बैजिंग इसमें यहाँ पे दी गई है। अब हम दोस्तों इसके सीट को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसकी सीट को हम ऐसे ओपन करेंगे तो आप सीट की भी फिट एंड फिनिश देख पा रहे हो। दोस्तों यहाँ पे आपका MCV दी गई है, इसको ऑन ऑफ करके आप अपनी बैटरी को यहाँ से निकाल कर अपने घर पर ले जाकर रिमूवल बैटरी इसमें दी गई है। ओकिनावा की तरफ से आपको ये बैटरी देखने को मिलेगी जिसकी आगे वारंटी और चार्जिंग टाइम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। साथ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसमें फोम दिया गया ताकि बैटरी पे कोई प्रेशर ना पड़े। ये रिमूवल बैटरी होने वाली है, IP67 की रेटिंग के साथ ये बैटरी आती है। इस स्कूटर को आप डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, इसको आप अपने किसी 3-4-5 मंजिल पे जहाँ पे भी रहते हो अपने घर में ले जाके इसको चार्ज कर सकते हो। इसका जो चार्जिंग टाइम होने वाला दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 से 2.5 घंटे के अंदर 0 से 100 ये फुल चार्ज हो जाता है, जिसमें आपको रेंज देखने को मिलेगा 90 to 110 किलोमीटर तक का आपको इसमें रेंज देखने को मिलेगा। फिर हम दोस्तों इसकी लोड कैपेसिटी की बात करें तो 150 केजी तक का लोड ये ले जा सकता है। साथ में इसके कर्व वेट की बात करें तो 110 केजी के आसपास इसका स्कूटर का वेट होने वाला है। अब हम दोस्तों स्कूटर के टॉप स्पीड के बारे में बात करेंगे तो 58 से 60 किलोमीटर प्रति ओवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड दी गई है। दोस्तों स्कूटर के वारंटी और प्राइस के बारे में बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी बैटरी की और मोटर की देखने को मिल जाएगी। प्राइस की बात करें तो इसमें 1,03,000 रुपये मात्र में आपको ऑन रोड ये स्कूटर मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 1+4 1 साल का फुल इंश्योरेंस, 4 साल के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको ओकिनावा का प्राइज प्रो ये स्कूटर पसंद आया है तो पुणे सिटी के अंदर जैसा कि मैंने बताया तो ओम बानेर लिंक रोड के ऊपर इनका शोरूम आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर इनके किसी भी मॉडल में इंटरेस्टेड है, दो मॉडल आई प्राइज प्लस एंड प्राइज प्रो दो मॉडल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। दोनों में से कोई भी मॉडल आपको अगर खरीदना है तो इनके शोरूम पे विजिट करें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।